17 नवंबर 1966 के दिन भारत की रीता फरिया ने मिस वर्ल्ड का किताब जीता था। मिस वर्ल्ड बनने वाली वह पहली भारतीय और एशियाई महिला थी। वह उन हजारों बेटियों के लिए एक आत्मविश्वास का पहला प्रतीक थी जिन्होंने अभी बाहरी दुनिया में कदम रखना शुरू ही किया था। लंदन के वेलिंगटन स्ट्रीट पर लिसेयम बॉलरूम में मिस वर्ल्ड पेजेंट को जीतकर रीता ने भारत को विश्व में एक अलग ख्याति दी। तो चलिए आज इस वीडियो में हम आपको भारत की पहली मिस वर्ल्ड रह चुकी रीता फरिया के बारे में बताएंगे। 23 अगस्त 1943 को मुंबई के माटुंगा में जन्मी रीता फरिया के पिता एक मिनरल वाटर फैक्ट्री में काम करते थे और उनकी माँ शहर में एक सैलून चलाती थी। लेकिन उनके जन्म के कुछ वक्त बाद उनका परिवार गोवा में चला गया। रीता हमेशा से डॉक्टर बनना चाहती थी। वह जब मुंबई के ग्रांट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी, एक दिन उनके दोस्तों ने मजाक में उन्हें एक ब्यूटी शो में भाग लेने के लिए कहा। रीता ने चुनौती स्वीकार की और तत्कालीन न्यूज़ वीकली मैगजीन द्वारा आयोजित मिस बॉम्बे प्रतियोगिता में एंट्री ली। रीता ने बताया था कि वह सिर्फ मजाक था, उन्हें बस अपनी तस्वीरें ऑर्गेनाइजर्स को भेजनी थी। लेकिन तब उन्होंने नहीं सोचा था कि यह बस एक शुरुआत है। मिस बॉम्बे क्राउन जीतना रीता का पहला कदम था। इसके बाद रीता ने 1966 में यूके मिस इंडिया प्रतियोगिता भी जीती। मिस बॉम्बे के लिए 5,000 रुपए और मिस इंडिया के लिए 10,000 रुपए की पुरस्कार राशि रीता को मिली। उन्होंने मिस इंडिया पुरस्कार की राशि अपनी माँ को दे दी जो मुंबई में एक अनाथालय में एक बच्चे की देखभाल करती थी। रीता को मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए चुना गया था। 1959 में फ्लेयर इजिकल के बाद ऐसा करने वाली वह दूसरी भारतीय महिला बनी। रीता ने कई बार इंटरव्यूज में बताया कि तब उनके पास फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी, कोई उपयुक्त या फैंसी कपड़े नहीं थे, यहाँ तक कि उनका पासपोर्ट भी नहीं था। लंदन जाने के लिए रीता ने अपने दोस्तों से साड़ी और स्विम सूट उधार लिया। मेकअप किट में कुछ लिपस्टिक और पर्स में 3 पाउंड थे। लंदन में अन्य पार्टिसिपेंट्स के बीच रीता को बहुत अलग महसूस हुआ। उन्हें लगा कि दूसरे लोग अधिक ग्लैमरस और अनुभवी हैं। वे ट्रेंड थे और उनके पास सही कपड़े और जूते थे। 17 नवंबर 1966 को वेलिंगटन स्ट्रीट पर लंदन के लिसेयम बॉलरूम में जब रीता इस इवेंट के लिए तैयारी कर रही थी, सब इस बात पर दाव लगा रहे थे कि ताज कौन जीतेगा। उस वर्ष 66 पार्टिसिपेंट्स थे और मिस यूके 20 वर्षीय जेनिफर लॉ ताज जीतने के दौड़ में सबसे आगे थी। 23 वर्षीय रीता फरिया स्विम सूट में रैंप करने वाली पहली भारतीय महिला थी। साथ ही उनके मेडिकल बैकग्राउंड ने उन्हें अन्य पार्टिसिपेंट से अलग कर दिया। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के दौरान उन्होंने अन्य देशों के 51 कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ते हुए मिस वर्ल्ड टाइटल अपने नाम किया। कहते हैं कि उनके यह प्रतियोगिता जीतने की सबसे बड़ी वजह थी फाइनल में उनका जवाब। ग्रैंड फिनाले में उनसे पूछा गया कि वह डॉक्टर क्यों बनना चाहती है, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि भारत को अधिक स्त्री रोग विशेषज्ञों की आवश्यकता है। रीता ने मिस वर्ल्ड का ताज जीतने वाली पहली एशियाई के रूप में इतिहास रचा। साड़ी में सबसे अलग दिखने के लिए बेस्ट इन इवनिंग वियर और बेस्ट इन स्विम सूट के लिए भी उन्हें चुना गया। यह ताज जीतने के बाद भी रीता अपने डॉक्टर बनने के सपने पर कायम रही। उन्होंने मॉडलिंग एक्टिंग के सारे ऑफर ठुकरा दिए और अपनी MBBS की डिग्री पूरी की। एक मिडिल क्लास परिवार से आने वाली रीता ने खुद भी कभी नहीं सोचा था कि वह 21 साल की उम्र में ऐसी किताब को जीतेगी जो न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में उन्हें अपनी पहचान दिलाएगा। रीता का जीवन कई मायनों में बेहद इंस्पायरिंग रहा है। जहां एक ओर उन्होंने पूरी दुनिया में भारत की खूबसूरती और आर्ट को एक्नॉलेज करवाया, वहीं दूसरी ओर उन्होंने मॉडलिंग या एक्टिंग को अपना करियर नहीं चुना, बल्कि कुछ वक्त मॉडलिंग करने के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और बतौर फिजिशियन अपना करियर स्थापित किया। वे पहले ऐसे मिस वर्ल्ड रही है जो प्रोफेशन से डॉक्टर भी है। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जीतने के बाद एक साल मॉडलिंग की ऊंचाइयों को छूने के बाद रीता ने डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने मुंबई स्थित ग्रांट मेडिकल कॉलेज और सर जमशेद जी जीजाबाई ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल से MBBS में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद रीता हाई स्टडीज के लिए लंदन स्थित किंग्स कॉलेज एंड हॉस्पिटल चली गई और इस क्षेत्र में अपना करियर बनाया। बता दे कि रीता ऐसी इंडियन मॉडल थी जिनका क्रेज भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका आयरलैंड में लोगों के सिर चढ़कर बोलता था। लेकिन कुछ समय तक मॉडलिंग करने के बाद उन्होंने डॉक्टरी करने का फैसला किया और ग्लैमरस लाइफ को छोड़कर अब गुमनामी में जिंदगी बिता रही है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि रीता सिर्फ एक सुंदर चेहरे से कहीं ज्यादा थी। साल 1971 में उन्होंने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डेविड पॉवेल के साथ शादी की। अब वह उनके साथ डबलिन आयरलैंड में रहती है। रीता फरिया का मिस वर्ल्ड बनना कई मायनों में बेहद खास और इंस्पायरिंग था। दरअसल वह साल 1966 में मिस वर्ल्ड बनी थी और ऐसा करने वाली वह पहली भारतीय महिला बनी। हालांकि उनकी जीत सिर्फ यहां तक सीमित नहीं
नहीं थी क्योंकि वह भारत ही नहीं बल्कि एशियाई मुल्क की पहली मिस वर्ल्ड बनी थी, जिसका अर्थ था कि उनसे पहले एशिया की किसी भी महिला के सर पर मिस वर्ल्ड का ताज नहीं सजा था। इस तरह उनकी जीत और भी अधिक ग्रैंड हो गई थी। तो आपको रीता फारिया की ये इंस्पायरिंग स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट्स में अवश्य बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।